में से आधे से ज़्यादा लोगों को फेल हो जाना चाहिए था. दिस इज वे टू ओवर क्राउडेड. सारे सीजन्स देखे मैं. इसके अलावा मैंने इसकी बुक भी पढ़ी थी. मुझे नहीं पता था कि तुम भी ये सीरीज देखती हो. नाइस यार. एक्चुअली वो जो मेन लीड है ना वो मेरी फेवरेट है. और स्टोरी भी अच्छा. यार सुनो, तुमने वो नेक्स्ट टास्क का असाइनमेंट किया हुआ है? हाउ डेस्परेट. हाँ किया है. प्लीज मुझे दे सकती हो? मैंने बिल्कुल नहीं किया. और सर मुझे इस दफ़ा मार डालेंगे. ओके जी, ये फाइनल प्रोजेक्ट हम ग्रुप में करेंगे और आप सब लोग अपने अपने ग्रुप्स खुद बनाएं और अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम मुझे फौरन आके बताएं. क्विकली सुनो, तुम हमारे ग्रुप में आ सकते हो. इसने तो मना ही कर दिया. मैंने तुम्हें मना भी किया था, मत पूछो. अपने मतलब के टाइम सब आ जाएगा. वैसे सलाम तक नहीं करते. आप सब चुप हो. और एक भी मिनट जाया किए बगैर सब अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम बताएं. फौरन फौरन, क्विकली, कम ऑन. Group projects? What a waste of time. किस जाहिल का आइडिया था दूसरों के साथ मिलकर काम करवाने का? Whoever you are, hope you are dead. Groups कब बने? अभी. आप सब अपने अपने ग्रुप्स में बैठें प्लीज. Hey you, join him. Ma'am, can I please be in another group? Don't worry, feelings mutual. What? Speak up. Ma'am, can I please be in another group? क्या आप किसी और ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं? क्यों? मेरी कंपनी नहीं पसंद आई? किसी और को अपने ग्रुप के लिए कोई मेंबर चाहिए? सॉरी. सो हाशिम, दिस इज योर न्यू ग्रुप. आप तीनों एक साथ बैठे. सबके ग्रुप्स बन गए? ओके. तुम दोनों पढ़ाई में अच्छे हो ना? बस इसी की कमी थी. ग्रेट, फिर देख लोगे राइट? जल्दी दफा हो. ओके बाय. प्रोजेक्ट कब से शुरू करना है? क्लास खत्म होने के बाद यहीं मिलते हैं. सिर्फ तुम और मैं? What about Hashim? What about him? वो भी तो ग्रुप मेंबर है. तुम ही बात कर लेना उससे. मैं बता लूँ, मसला नहीं. मैं करना क्या, मैं तो सुनना है. चलने का टाइम आ जाएगा. इतने लोग क्यों हैं इस दुनिया में? एक तो इस यूनिवर्सिटी का भी हर कोना लोगों से भरा हुआ है. इधर जाऊँ? मैं तुम्हें चांद कहता हूँ, चमेली का मच्छर आशम आपका. ओ भाई, हम पे चढ़ के चला जा. पे क्या अजीब आदमी यार. सॉरी गाइस यार, थोड़ा लेट हो गया. थोड़ा? तुम आधा घंटा लेट हो. जब ही तो सॉरी बोले. सॉरी का फायदा? हमारा टाइम तो जाया करा दिया ना. क्या हो गया भाई, थोड़ा चिल कर.
चिल तो तू करेगा बेटा, वो भी फेल होने के बाद। खैर, तुम्हें क्या डिस्कस करना था? मैं ये कहती कि तुम ये चैप्टर वन का सब हेडिंग्स और सब कर लो, और हमने सारा काम आपस में डिवाइड कर लिया है। तुमने तो मोस्ट लाइकली आखिरी दिन ही आना है, तभी मिलते हैं। फिर मुझे क्यों बुलाया? नहीं, मैं वो, अगर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की टेंशन होती तो तुम वक्त पर आते। क्लियरली यू डोंट केयर, सो यू कैन जस्ट लीव। सोल शिट फेस। अगर लास्ट डे वो प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे पाया तो आई फेल टू सी हाउ दैट्स माय प्रॉब्लम। पर गलत बात है ना, ही इज अ ग्रुप मेंबर टू। इंडिविजुअल ग्रेडिंग है, सबको अपनी अपनी परवाह होनी चाहिए। सो नहीं है तो यू कांट फोर्स हिम। खैर, आई डोंट थिंक कि हमें क्लासेस के बाद इतना वक्त मिल पाएगा कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। अलग से बैठना पड़ेगा हमें इस पर। आई थिंक अगर हम अनकंफर्टेबल, If you are not comfortable, हम कहीं और मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी इतनी uncomfortable हो? I see। मेरे घर पे मिल लेते हैं। Okay। अनम, जब मैंने तुम दोनों को पहले सजेस्ट किया था कि तुम दोनों मिलकर काम कर लेना, तब तो मेरी सुनी नहीं, फिर उल्टा मुझे बुलाकर जलील किया। नहीं वो मैं क्या, रामेश ने तो वो रामेश से तो मैं अलग से मिल लूंगा। पता नहीं साला खुद को क्या समझता है। अबे तू क्या 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 है, उसको शक्ल देख उसकी। अभी तो कुछ बोला नहीं, ऐसा लगा रो देगी। रमेश रुक, दो मिनट बात करने का टाइम भी नहीं तेरे पास अब। नहीं भाई, तू समझता कि अपने आप को, जो दिल में आएगा वो करेगा। हाँ बात सुन, ये अपनी अक्ल किसी और को दिखाना, अपनी बकवास करने से पहले ना 10 मरतबा सोच ले तू किससे बात कर रहे है। कौन है तू? क्या तूने अभी कहा ना कि तुझसे बात करने से पहले 10 बार सोच लू? तू बता कौन है तू? मैं बताता हूँ तेरे को, तू एक अबव एवरेज फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। जो कोई भी होगा ना अपने घर में होगा, यहाँ कुछ नहीं है। तू ये हमारा पूरा बैच पास आउट हो जाएगा, हमारे सारे जूनियर्स भी निकल जाएंगे और तू यहीं रहेगा। और जब तू 4 साल की डिग्री 7 साल में कंप्लीट करेगा ना, तुझे मेरी बड़ी याद आएगी। मुझे जैसे बना कर रखो, बिगाड़ो मत वरना अपना ही नुकसान होगा। Just looking out for you. See, you can be nice to me. आपको ये एपिसोड पसंद आई इंट्रोवर्ट्स की? अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इमेजिनेशन पिक्चर्स को, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।